सुशील दीक्षित को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संघ का मध्य प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष बनाए जाने पर वर्किंग ऑर्गेनाइज्ड इकाई बुरहानपुर के जिला अध्यक्ष सुनील अग्नोत्री के द्वारा स्वागत किया गया। आपको बता दें कि संतोष सिंह दीक्षित मध्य प्रदेश मंडी कर्मचारी महासंघ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वह लगातार इस पर कार्य करते रहे हैं। मैं विगत 32 वर्षों से कर्मचारी जगत में लगातार उनकी समस्याओं के निदान करते आ रहा हूं और अभी ये सबसे आखिरी और बहुत बड़ा संकल्प है। पुरानी पेंशन जो 2004 से बंद है और प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए पुरानी पेंशन लागू करवाना है। इसके लिए आज पूरे देश में ये एक मुख्य मुद्दा बन गया है सभी पार्टियों के लिए और मैं चाहता हूँ कि वर्तमान माननीय सरकार पुरानी पेंशन बहाल करें, कर्मचारियों का समर्थन हासिल करें। जो कर्मचारी हितों की बात करेगा वो प्रदेश पे राज करेगा।